ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सूबा के मुखिया नीतीश कुमार ने आज शंखनाद करते हुए कोरोना काल के दौरान बिहार में अपने कार्यकर्ताओं के लिए वर्चुअल रैली का आयोजन किया। जहां एक तरफ कोरोना को लेकर पूरे देश में सतर्कता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी सतर्कता बरत रही है। इसी सतर्कता को लेकर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए वर्चुअल रैली का आयोजन आज बिहार में किया। इस आयोजन के दौरान सूबे के मुखिया को सुनने के लिए भोजपुर जिले के हर प्रखंड में जदयू के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारी भीड़ का जमावड़ा करते दिखे गए। साथ ही इन सभी नेताओं ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पुनः एक बार सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। आज आप लोगों के पार्टी के द्वारा निश्चय संवाद का वर्चुअल रैली यानी डिजिटल के माध्यम से किया जा रहा, कहां कहां पर तैयारी है? देखिए, आज 11:30 बजे दिन से विकास पुरुष हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का बिहार के जन जन से निश्चय संवाद कार्यक्रम आयोजित है, जिसके लिए जी न्यूज बिहार झारखंड से लेकर फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कई तरह से सीधे बिहार के जनता उनसे आज जुड़ेगी। और जैसा कि फिजिकल जो रैली होती है तो बड़े रैली में जिस तरह का उत्साह रहता है, उसी तरह का उत्साह आज पूरे भोजपुर क्या पूरे बिहार के लोगों में है। और जहाँ तक मैं भोजपुर की बात करूँ तो भोजपुर में बूथ स्तर से लेकर और जिले में कई जगहों पर सारे पंचायतें में आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा निश्चय संवाद का आयोजन किया जा रहा है, पूरे भोजपुर में क्या तैयारी है? देखिए, आज 7 तारीख को 11:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय संवाद कार्यक्रम के तहत वर्चुअल रैली पूरे बिहार की जनता के साथ, एक साथ पूरे बिहार की जनता, आम आवाम, हालांकि देखिए अभी तक तो जो रैली हुई है उसमें पूरे बिहार की आधी आबादी पहुंच जाती थी, लेकिन इस रैली के माध्यम से आप देखिएगा कि 11:30 बजे से हर घर में टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सभी चैनल के माध्यम से आप देखेंगे कि लाइव शो का प्रसारण घर की वैसे लोग भी देख सकेंगे और सुन सकेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट, जो कभी गांधी मैदान नहीं जा पाए थे। ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है और पूरे भोजपुर जिले में हर पंचायत, हर गांव, हर बूथ स्तर तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस इस रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं और सभी लोग अपने मोबाइल से, टीवी से कनेक्ट करके इसको देख रहे हैं और दिखाने की कोशिश हर पंचायत, हर बूथ स्तर पर हो रही है, जिससे आम जनमानस तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास किए हैं और जो बिहार के लिए करने वाले हैं, आप सभी देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शराबबंदी किया और शराबबंदी सख्ती से लागू किया, इसके लिए उनको कितना दिक्कत है बिहार को चलाने में। हमारे पास किसी तरह का कोई रेवेन्यू का क्षेत्र नहीं बन रहा है, बालू है एक और कोयला खदान, जब झारखंड से हम लोग अलग हो गए तो वो भी हमारी राजस्व की कमी हो गई। शराब एक बहुत बड़ा सहारा था बिहार के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको ताक पर रखते हुए और पूरे बिहार को शराबबंदी करके महिलाओं को जो तोहफा दिए हैं वो काबिले तारीफ है। हम सब तमाम महिलाएं अपने मुख्यमंत्री जी को इस कदम के लिए, सराहनीय पहल के लिए सैल्यूट करते हैं कि आपने जो कदम किया उठाया महिलाओं के लिए, अपने सरकारी कोष की क्षति को भी इग्नोर किया, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि आज बिहार में मजदूर करीब उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। उनके तरफ से जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं पूरे बिहार से, देश से, बिहार में,
उनके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है और किस तरह से उन मजदूरों को पलायन से रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, आज के वर्चुअल रैली में ये भी एक मुद्दा होगा। इस वर्चुअल रैली में महिलाओं को क्या विशेष कुछ मिलने वाला है? आप देखेंगे, रैली को हो जाने दीजिए। देखिए, आज तक उन्होंने जब भी दिया है महिलाओं की भागीदारी को नकारा नहीं है, हमेशा उन्होंने महिलाओं को पॉजिटिव लेकर के चला है और महिलाओं के लिए तोहफा देने का काम उन्होंने हमेशा किया है और आज भी करेंगे। पूरा परिचय बता दीजिए। पुष्पा सिंह कुशवाहा, नगर निकाय।